कुबोटा MU 4501 पावर स्टीयरिंग के साथ है, MRF के टायर है। हाँ, डबल पावर स्टीयरिंग है, दो पॉइंट एक का टर्निंग रेडियस है इसका। जी भाई वाह, मेड इन जापान, वाइब्रेशन नहीं है इसमें, आप यहाँ फील कर लोगे। नो वाइब्रेशन के साथ। और एक खास बात और है कुबोटा की, जितने भी कुबोटा के ट्रैक्टर हैं पावर स्टीयरिंग है, सब साइड शिफ्टेड गियर के साथ है। और ये क्या है, हाइड्रोलिक फिल्टर? ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, ये इसका सुरक्षा कवर है। अच्छा, हाँ जी, ये अगर कहीं मिट्टी में चल रहा है तो हाँ, टूटने से बचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी किसान लेकर जाएंगे, कहाँ है किसान, बुलाओ किसान को। अच्छा, इसमें लग रहे हैं फिलहाल, खड़े हो जाओ। ड्रॉल साथ मिलेगी, टोपलिंग साथ मिलेगा और हिज भी साथ ही मिलेगा, फिलहाल मिस्त्री लग रहे हैं। और इसमें भी अगर आपको लग रहा कि फिर भी कहीं अड़ रहा, तो ये नीचे वाले पिन निकाल के इसे ऊपर हटा के नीचे पिन बना दो, और इधर ऊपर हो जाएगा। भी बना दो, भी पूरी कोई बना दो, समझे नहीं आपने। इतना पहले दूसरा ट्रैक्टर था, ये फिर ये कहने लगे जी नहीं, हमें वो दो दूसरे वाला। अच्छा, तो वो अंदर से निकाल के पहले हमने वो तैयार धो धा के तैयार कर दिया था। कौन सा कौन सा? अच्छा, ये लिया था। ये कहने लगे कि हमने तो वो अंदर खड़ा था, कि हमें तो अंदर वाला दो, सुबह धुआ धो के खड़ा कर दिया था। अच्छा, कस्टमर है जी, चलो कोई नहीं, वो बाहर निकाला, वो धुआ नहीं रहा थोड़ा सा। अच्छा, इसके बारे में 55002 है जी, एक बार फोन अटेंड कर। हाँ ठीक है। और ये है ट्रैक्टर के ओनर, जो अभी लेके जाएंगे थोड़ी देर में। और भैया ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। कितने बढ़िया? तो 3-7 लाख 35,000 में पड़ा जी कैश। अच्छा, कैश है? हाँ जी। तो ट्रैक्टर पसंद आया? हाँ जी, ट्रैक्टर पसंद आया, अच्छा लगा, जब तो ले जा रहे हैं। हाँ नहीं, मतलब फिर भी आदमी सोचा लगा ना भाई, क्या पता कैसा है, कैसा नहीं, अच्छा लगा ट्रैक्टर जब ले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसके बारे में स्पेसिफिकेशन जो भी है ट्रैक्टर में, उसके बारे में है कुछ पता चलाने के लिए? जैसे भाई गियर कितने हैं, क्या इन्होंने, हाँ उसके बारे में मतलब जानकारी होनी चाहिए किसान को। अभी जानकारी दी इन्होंने। हाँ चलो, खैर अभी लेके जाएंगे ट्रैक्टर को, और हमारी शुभकामनाएं किसान परिवार के साथ। और एक ट्रैक्टर वो है 4x4 छोटू, ये भी जाएगा। फिलहाल चल रही है इसकी तैयारी, डॉक्यूमेंट वगैरह इसके कंप्लीट करके जब जाएगा ये। त्योहारों की उमंग कुबोटा के संग। और ये ट्रैक्टर भी आ रहा है कुबोटा, ले गया तो कोई एक्सचेंज करके, फर्म ट्रैक शॉर्ट बम्पर लगाया, शामली का नंबर है, 2000 घंटे चला हुआ है 7 कटारों में, 3,70,000 रुपये जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने मांगे इसके। वैल्यू मैक्स इजी स्टीयरिंग सेंटर गियर के साथ, 13 के टायर्स में, और छतरी भी लगाई है, 2013 मॉडल, शामली का नंबर, ड्रोवाल टोपलिंग साथ मिलेगी, और इच भी है फिट। और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कितना टाइम लेंगे अभी किसान। डीलर साहब कुछ कह रहे हैं? शर्मा जी दे हो, अच्छा ध्यान दे रहा है जरा। हाँ, फोर बाई फोर बी 2741S डिजाइन बाई जापान, ये ट्रैक्टर भी जाएगा क्रंच डी के लिए, खास इंप्लीमेंट बेस्ट ऑप्शन, क्रंच विधि हो, बाघ की जुताई हो। तो इसके बारे में बताओ आप छोटा सा। हाँ जी, इसके बारे में बताओ जी। ये 2741 है जी, और 5 साल सुपर वारंटी के साथ ये भी है जी, और ये 44 इंच चौड़ा ही है। 44 इंच? हाँ जी, एडजस्टेबल सिस्टम का है, ये स्टेपनी इधर और ये इधर आ गया, ये 2 इंच और कम हो जाएगा, 42 इंच रह जाएगा। अच्छा, सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ में,
डबल पीटीओ के साथ में है। अच्छा बाजी, ये 540 और 750 और एबीसी गियर में हाई लो मीडियम। अच्छा, छोटा ट्रैक्टर आपको डबल पीटीओ और तीन गियर में नहीं मिलने का, हाई लो मीडियम में नहीं मिलने का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, जो मतलब बड़े में आ रही है क्वालिटी। हाँ हाँ, वो इसके अंदर है ये। आप सेंटर लोग आपको किसी भी ट्रैक्टर में जो यहाँ के बने हुए हैं 40-45 एचपी में भी नहीं दे रहे, लेकिन कुबोटा 21-24-27-45-55 जितने भी मॉडल है सब में सेंटर लोग दे रही। एडजस्टेबल है ये, टू व्हील हो जाएगा, ये 4x4 हो जाएगा, तीन सिलेंडर इंजन है इसका। जी जी जी। और ये वाला क्या है? ये सुपर ट्रैप कंट्रोल ही है वही, सेम कंडीशन जो आपने पहले दिखी थी। ये इसका गियर लीवर हो गया, चाबी से ही स्टार्ट, ये भी चाबी से ही बंद, ये पावर स्टीयरिंग है। तो इसकी कितनी कॉस्ट है जी? कॉस्ट कितनी इसकी? ये जी 5,90,000 रुपए का है। 5,90,000 जी जी जी, टॉप मॉडल। हाँ, ये शामली के रेट हैं, बाकी अपना तुम देख लियो। और जो किसान हैं उनसे भी एक छोटा सा परिचय करवा दूं। और अंकल जी बैठ जाइए। ऊपर और ये अंकल जी हैं। और अंकल जी ठीक ठाक हो? फिट फोर। तो अभी लेके जाओगे? अच्छा, ट्रैक्टर तो पसंद आ रहा? तो एक तो है जैसे मतलब ट्रंच विधि के लिए है ना, तो आप इस चीज में चलाओगे बाग में, ट्रंच के लिए? अच्छा, बाग के लिए ले रहे हो, चलो सही है। बाग के लिए खास हिसाब किताब है ट्रैक्टर का। चलो खैर, थोड़ी बहुत देर बाद अभी पेपर वर्क इसका पेंडिंग है, जब लेके जाएंगे इसको। और हमारी शुभकामनाएं किसानों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।